हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। आज का वीडियो एक बहुत ही कैजुअल चिट चैट टाइप का ही वीडियो होने वाला है, जिसमें कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछे जा रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन, द नंबर वन आई वुड रैंक इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल के मोनिटाइजेशन का, एंड मोनिटाइजेशन के कितने टाइम के बाद मुझे पेमेंट आई, अपनी फर्स्ट यूट्यूब की पेमेंट आई, जिसका कि मैंने वीडियो रिसेंटली डाला था अपने चैनल पे। तो अभी मैं रिलैक्स कर रही हूँ अपनी बालकनी में, बाहर के मौसम का थोड़ा सा मज़ा ले रही थी। हालांकि अभी फिर से धूप निकल आई है, पर वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अभी नोएडा में। तो हाँ, एंड अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे चैनल पे, वो ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की, एंड कैसे मैं फ्रॉम रांची टू नोएडा, ये मेरी जर्नी कैसी रही है। सो अ लिटिल बिट अबाउट माई लाइफ जर्नी। तो मैं इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड द मोस्ट इन द रीसेंट टाइम्स इज़ कब से मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ, एंड मोनिटाइजेशन की कितने टाइम के बाद मुझे यूट्यूब से अपनी फर्स्ट पेमेंट आई। तो मेरा चैनल मैंने शुरू किया था 2017 नवंबर में, जब मैंने अपनी आईटी लाइफ से ब्रेक लिया था। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे यूट्यूब से ही पैसे कमाने हैं, मुझे 24 आवर्स यूट्यूब करना है या एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा बस था कि मुझे आगे जा कर के कभी भी जब अपने किसी भी चीज़ का, कोई भी ट्रैवल का या किसी भी चीज़ का वीडियो देखने का मन हो, तो मैं फटाफट से कहीं पर भी देख पाऊँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब का अपना ये चैनल शुरू किया था। तो अब हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है कि मोनेटाइज मेरा चैनल कब हुआ, तो चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ क्लोज टू 2021 में जा करके। सो और वेरी लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिली नहीं आज तक, ना ही मैं उम्मीद रखती हूँ। तो 2021 में चैनल मोनेटाइज हुआ, एंड मुझे अपनी फर्स्ट पेमेंट जो आई है वो अभी आई है 2022 में, जिसका कि मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ही था। तो हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 साल मुझे लग गए चैनल को मोनेटाइज करने में। चैनल मोनेटाइज हुआ तो ये सब पता नहीं था कि कॉपीराइट कंटेंट और ये सारा कुछ हटाना पड़ता है, नहीं तो उससे पैसे आते नहीं हैं। तो अभी रिसेंटली जाकर के वो सारा कुछ भी हटाया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर पहले से पता होता या अगर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर दिया होता तो शायद जल्दी मोनेटाइज हो जाता, बट दैट्स फाइन, जो बीत गई सो बात गई, एंड कोई टेंशन नहीं है। जब जहाँ से पैसे आने होते हैं भगवान की दया से सब कुछ सही सही होता है, तो ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, राइट फ्रेंड्स। हाँ, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट माय लाइफ अ लिटिल बिट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची। रांची एक सिटी है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, फ्रॉम वेयर MS धोनी ऑल्सो बिलोंग्स, फेमस क्रिकेटर वी ऑल नो आई बिलीव। तो हाँ, एंड मैं धोनी से भी 2 या 3 बार मिल चुकी हूँ, उसका भी मेरा वीडियो है चैनल पर, तो आप लोग वो वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सब सारे वीडियोस का लिंक डाल दूँगी जिस भी वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ, तो रांची में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग JVM शानमली से की, अगेन धोनी भी उसी स्कूल से पास आउट हैं, एंड उसके बाद मैं अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए भुवनेश्वर चली गई। सो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम इन ITER कॉलेज इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी उड़िया भी आ गई है, सीखी थी वहाँ पर। तो एक स्टेट से ही हो गई दूसरे स्टेट की बात। अब हम आते हैं फाइनली जब हम तीसरे स्टेट पे जा रहे थे, विच इज़ फॉर माय फर्स्ट जॉब। सो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, मुझे LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज से ऑफ़र था, मगर वो ऑफ़र लेटर काफ़ी देर टाइम तक रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ना किसी HR से कॉन्टैक्ट हो पा रहा था। सो आई जॉइंड Accenture NMNC इन बैंगलोर। तो तब मैं बैंगलोर मूव कर गई, एंड लगभग 6 साल मैंने बैंगलोर में ही गुजारे हैं इन माय IT लाइफ। तो जब मैंने अपने IT लाइफ से ब्रेक लिया था अपनी शादी के टाइम पे, उस समय ही मैंने ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया था। तो ये यूट्यूब का जो जर्नी है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया। तो इसी बीच में यूट्यूब का भी मेरा चैनल शुरू हुआ था, एंड हाँ, तो लगभग मैंने 6 साल बैंगलोर में गुजारे हैं, एंड फ्रॉम द पास्ट 1.5 to 2 ईयर्स नाउ, अब जनवरी में 2 साल हो जाएंगे हमें नोएडा आकर के। तो नोएडा जब हम शिफ्ट किए, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैंने भी अपनी जॉब चेंज की, एंड दिस इज़ राइट नाउ माय 6th or 7th कंपनी। तो काफ़ी सारी कंपनी से मैंने काम किया है, इंक्लूडिंग स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप में जो आपको एक्सपोजर मिलता है, कभी भी अचानक से हो सकता है कि वो अचानक बोलेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से मूव करके इस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं, एंड आपको रातों रात बहुत कुछ करना पड़ता है, अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ
यू नो अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड वॉट एमएनसी आई थिंक एमएनसी से जो मुझे लर्निंग मिली है वो रहती है प्रोसेसेस की. बहुत डिफाइंड प्रोसेसेस रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए एंड बहुत स्मूथली ऑपरेशंस और सारा कुछ सारा प्रोसेस चले हमारे प्रोजेक्ट्स का. सो आई एम अ वेब एप्लीकेशन डेवलपर. आई एम करेंटली वर्किंग इन अ रिएक्ट एप्लीकेशन. तो आई एम वर्किंग ऑन रिएक्ट टेक्नोलॉजी एंड इससे पहले मैंने एंगुलर में और जावास्क्रिप्ट वगैरह मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, एन नंबर ऑफ देम. एंड आई लाइक टू लर्न वेरी न्यू थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम इन माई, दैट इज़ अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ. तो हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट आई थिंक कहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं कैसे रांची से भुवनेश्वर पहुँच गई. और कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या स्ट्रगल था एंड ऑल ऑफ दैट. तो टू बी ऑनेस्ट वैसा कोई खास मैं नहीं बोलूँगी कि स्ट्रगल था, कि हाँ जैसी स्कूलिंग कंप्लीट की उसके बाद एग्जामिनेशंस वगैरह दिए ही थे कॉलेज में एडमिशन के लिए. वेरी क्लियर दैट इंजीनियरिंग ही करनी है. और हाँ, मगर ये क्लियर नहीं था कि आईटी से करनी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने आज तक इन माय एंटायर स्कूल लाइफ आई हैव नेवर अटेंडेड अ सिंगल कंप्यूटर क्लास. तो जब मैं बीटेक करने चली गई और आईटी में मैंने जब एडमिशन लिया ना, तो एक सेकंड के लिए वो पहले एक साल तो मैं शॉक में ही थी कि मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं पे, क्योंकि मुझे लिटरली कोई आइडिया ही नहीं था कंप्यूटर के बारे में. कोडिंग क्यों करते हैं, मुझे ये सारे क्वेश्चन आते थे कि अगर जब जैसे सी से अगर शुरुआत हुई थी तो हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं, ऑल ऑफ दैट. मगर हाँ, एक दी थी कॉलेज में सीनियर, उनको जब समझ में आया कि ये तो बहुत ही स्ट्रगल कर रही है और पता नहीं कहीं भाग ना जाए, पता नहीं उनको क्या ही लगा, तो थोड़ा उनका सिंपैथी था मेरे साथ. तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, एक एक ये सारी डिटेल जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे कि हम लिखते क्यों हैं, इससे फ़ायदा क्या है, वो सारा वो दीदी ने मुझे बताया. आई थिंक रश्मि दीदी उनका नाम है, मुझे अभी भी याद है. तो थैंक यू सो मच रश्मि दी, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ हूँ अपने एटलीस्ट मेरे आईटी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में. तो हाँ, ये एक थोड़ा सा स्ट्रगल था मेरी लाइफ में. जॉब मिलना टचवुड हैज़ नेवर बीन अ स्ट्रगल फॉर मी. तो एंड यस, इफ़ यू पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग. सो आई लव कोडिंग, आई लव टेक्नोलॉजी. तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद है मेरा अपना जॉब एंड मुझे अच्छा लगता है आईटी. अभी के लिए तो आईटी पसंद ही आ रहा है एंड यू गेट टू फेस एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज. तो आपको पता नहीं होता है कि आज क्या फट जाएगा कोड में या आज कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती है. दैट इज़ अ गुड पार्ट. सो मुझे इस तरीके के जॉब में काफ़ी मज़ा आता है एंड टू एक्सप्लोर वेरी न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर वेरी न्यू टेक्नोलॉजीज, टू कीप लर्निंग एंड यू नो टू ट्राई आउट थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू. सो या दैट्स आई थिंक प्रीटी मच इट अबाउट मी. मेरे यूट्यूब की जर्नी में के बारे में मैंने आप लोगों को आज बता दिया एंड अपने लाइफ की जर्नी में भी थोड़ा मोड़ा बता दिया. तो मेरी शादी हुई 2018 में इन फेब्रवरी, ये भी मैंने बता दिया. अब आप लोगों को अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.